हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं रवि, आप देख रहे हैं आरके इंडियन टेक। आरके इंडियन टेक के इस नए वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका राशन कार्ड में किन किन मेंबर का यानी आपके सदस्य का किन किन सदस्यों का आधार कार्ड लिंक है, आप कैसे चेक करेंगे इस यानी कि आपका राशन कार्ड में किन किन सदस्यों का आधार कार्ड लिंक है और किन किन सदस्यों का आधार कार्ड आपके राशन कार्ड के साथ लिंक नहीं है, यानी इसको चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना यानी कि अपना राशन कार्ड में आधार लिंक है या नहीं इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहां सर्च बार में टाइप करना है मेरा राशन। मेरा राशन लिख करके सर्च कर देना है। दोस्तों, आपके सामने एक मेरा राशन नाम से एक यानी कि राशन कार्ड का ऑफिशियली ऐप ओपन होकर के आ जाता है आपके सामने। आप देख सकते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर PCA डिजाइन, यानी कि ये सरकार केंद्र सरकार का ऑफिशियली ऐप है, ये कोई फेक ऐप नहीं है। तो दोस्तों, इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, मेरा फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, उसके बाद ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन होने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं इस ऐप का इंटरफेस इस तरह का है। इसमें आपको यहाँ लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं आधार सीडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आधार सीडिंग पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं, यानी कि मेरा राशन ऊपर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस तरह का है। चेक आधार सीडिंग, दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप अपना आधार स्टेटस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप यानी कि राशन कार्ड नंबर से चेक करना चाहते हैं या आधार नंबर से, यानी आपके पास जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको राशन कार्ड नंबर से यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कि आपके राशन कार्ड में आधार नंबर किन किन मेंबर का लिंक है। तो आपको यहाँ यानी कि आधार यानी कि राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए, मैं अपना राशन कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने राशन कार्ड का पूरा डिटेल खुल करके आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका होम स्टेट आ जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट यानी आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यहाँ स्कीम आपका कार्ड किस प्रकार का है जो आ जाता है, यहाँ PHH, यहाँ कार्ड नंबर यानी राशन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ आ जाता है FPS ID, एक होता है FPS ID जो आ जाता है, और आपका यहाँ ऑनलाइन एलिजिबिलिटी दिखा देता है, यानी आपका एलिजिबिलिटी यस है। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप यानी मेंबर डिटेल्स, आपके सदस्यों का डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है कि आपके राशन कार्ड में किन किन लोगों का नाम है और किनका आधार नंबर लिंक है और किनका लिंक नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इस राशन कार्ड में 9 सदस्य हैं, तो 9 सदस्य में किनका लिंक है आप यहां पर देख सकते हैं और किनका लिंक नहीं है। जिसका लिंक है आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे यस लिखा हुआ है, और जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनका यहां पे नो लिखा हुआ है। जैसे मैं यहां एक दो लोगों का ही यहाँ पर आधार कार्ड इसमें राशन कार्ड में लिंक है और बाकी सारे लोगों का लिंक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनका जिनका लिंक है यहाँ पर यस दिखा देता है और जिनका लिंक नहीं है यहाँ पर नो दिखा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपना राशन कार्ड में आधार लिंक को आप चेक कर सकते हैं कि किनका चेक यानी आधार लिंक है और किनका लिंक नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि इस तरह का हेल्पफुल नॉलेज उन्हें भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इतना कहते हुए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ।
तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।